नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लाई हूँ, इम्पैक्ट डायोड। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। ठीक है, देखिए, इम्पैक्ट डायोड, इसका जो फुल फॉर्म है, इट इज इम्पैक्ट एवलांशे ट्रांजिट टाइम डायोड, ये होता है। ठीक है, एवलांशे का मतलब क्या होता है? इट इज अ रीजन विद रिलेटिवली हाई डूपिंग, जिसमें कि डूपिंग बहुत ज्यादा होती है, हाई डूपिंग एंड हाई फील्ड होती है इसमें, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है इसमें, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे आपका एवलांशे मल्टीप्लीकेशन होता है, एवलांशे मल्टीप्लीकेशन टेक्स प्लेस, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड, रिवर्स करंट फ्लो करती है, लार्ज आप रिवर्स बायस वोल्टेज लगाते हो। ट्रांजिट टाइम को क्या बोलते हैं? जो आपका ये ट्रांजिट टाइम होता है, इसको मैं टीटी से डिनोट करती हूँ। ये जो ट्रांजिट टाइम होता है, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन और अदर चार्ज कैरियर। ओके, आप कह सकते हो कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन और अदर चार्ज कैरियर, क्यू सी टी, मतलब मैं शॉर्ट फॉर्म में चार्ज कैरियर लिखती हूँ, टू ट्रेवल बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स बोल दीजिए या टू टर्मिनल्स बोल दीजिए, इन एन इलेक्ट्रॉन ट्यूब और ट्रांजिस्टर, इन एन इलेक्ट्रॉन ट्यूब और ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब आप देखिए, इम्पैक्ट डायोड इज अ पीएन जंक्शन डिवाइस होता है। ये क्या होता है? इट इज अ पीएन जंक्शन डिवाइस विच यूजेस कैरियर इम्पैक्ट आयनाइजेशन एंड ड्रिफ्ट इन द हाई फील्ड रीजन ऑफ ए सेमीकंडक्टर जंक्शन टू प्रोड्यूस नेगेटिव रेजिस्टेंस एट हाई फ्रीक्वेंसीज। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि एक तो इम्पैक्ट की फुल फॉर्म होती है इम्पैक्ट एवलांशे ट्रांजिट टाइम डायोड। इट इज अ फॉर्म ऑफ हाई पावर सेमीकंडक्टर डायोड। ये क्या करता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ हाई पावर सेमीकंडक्टर डायोड, दैट मींस इट कैन जनरेट अ माइक्रोवेव पावर ऑफ अप टू 3 किलोवाट्स। 3 किलोवाट्स तक की माइक्रोवेव पावर ये जनरेट कर सकता है। इट इज यूज इन हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये कहाँ यूज होता है? यूज एट हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ये यूज होता है। ठीक है, फिर डी डे ऑपरेट, आप कह सकते हो इसकी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, जैसे इसने लिखा है इस लाइन में कि इट हैज अ नेगेटिव रेजिस्टेंस, दैट मीन्स दे हैव अ नेगेटिव रेजिस्टेंस विच इज एंड दे आर यूज एज, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ दिस नेगेटिव रेजिस्टेंस, दे आर यूज एज ऑसिलेटर्स एंड एम्पलीफायर्स। ऑसिलेटर्स एंड एम्पलीफायर्स की फॉर्म में ये यूज होते हैं एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज। सो इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है? दे ऑपरेट एट फ्रीक्वेंसी ऑफ अप टू 300 GHz। जो इनकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है? 300 GHz होती है। ठीक है, या इवन उससे भी हायर होती है। और एक दो, अब इसमें जैसे कह रहा है इट इज अ पीएन जंक्शन डिवाइस, इट मींस इट हैज अ वेरी सिमिलर आईवी कैरेक्टरिस्टिक टू एनी अदर फॉर्म ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, अब इसमें आप देखो, रिवर्स डायरेक्शन में जब हम इम्पैक्ट डायोड, जैसे इसने बोला है कि इसमें एक तो इम्पैक्ट आयनाइजेशन का फिनोमेना यूज होता है, कैरियर इम्पैक्ट आयनाइजेशन होता है, एंड ये हाई फील्ड रीजन में ही ड्रिफ्ट करते हैं, उसी साइड ज्यादा ऑरियंटेड होते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द नेगेटिव रेजिस्टेंस एट हाई फ्रीक्वेंसी। ये फिगर ए में दिखाया है, ये आपका फिगर है, दिस इज योर फिगर। अब आप ये कह सकते हैं कि रिवर्स डायरेक्शन में इट ब्लॉक्स द करंट फ्लो अंटिल द डायोड ब्रेक डाउन वोल्टेज इज रीच्ड। जब रिवर्स डायरेक्शन होता है तो इसकी टेंडेंसी होती है कि ये ब्लॉक कर देता है, ठीक है, करंट फ्लो को। एट दिस पॉइंट एवलांशे ब्रेक डाउन अकर्स एंड करंट फ्लोज इन रिवर्स डायरेक्शन। आपको ये पता होना चाहिए कि इट ब्लॉक्स द करंट फ्लो इन रिवर्स डायरेक्शन, उल्टी साइड में ये करंट की डायरेक्शन की फ्लो को ब्लॉक कर देता है, अंटिल द डायोड ब्रेक डाउन वोल्टेज हैज रीच्ड, अंटिल डायोड ब्रेक डाउन वोल्टेज रीच्ड रीचेस, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आप एक बात याद रखें, नेक्स्ट लाइन ये क्या कह रहा है? इन इम्पैक्ट डायोड द नेगेटिव रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नेगेटिव रेजिस्टेंस किसकी वजह से होता है? द फाइनाइट डिले, द फाइनाइट डिले अबाउट हाफ अ साइकिल। हाफ अ साइकिल मतलब जैसे कि ये फुल साइकिल है, प्लस एंड माइनस, तो दिस इज योर हाफ साइकिल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो फाइनाइट डिले होता है, जो
एक स्मॉल अमाउंट ऑफ या लिमिटेड जो देरी होती है बिटवीन दी अप्लाइड आरएफ वोल्टेज, एक आरएफ वोल्टेज जो आप लगाते हो, एंड द करंट जनरेटेड बाय एवलांचे ब्रेकडाउन, उसके बीच में किस किस के बीच में डिले होता है? एक तो अप्लाइड आरएफ वोल्टेज के बीच में होता है। देखिए इसमें जो मार्कर है ना, ये मुझे थोड़ा सा अच्छा वाला यूज करना है। चलो मैं कौन सा यूज करती हूँ, मैं ये यूज करके देखती हूँ, ठीक है? इसमें किसके बीच में फाइनाइट डिले हो रहा है? आरएफ अप्लाइड वोल्टेज के बीच में, एंड जो करंट जनरेट होती है ड्यू टू एवलांचे ब्रेकडाउन। सेकेंड क्या है, द सब्सिक्वेंट ट्रांजिट ऑफ द कैरियर्स। ट्रांजिट मतलब जो ड्रिफ्ट हो रहा है, जहां पे कैरियर्स एक जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो सब्सिक्वेंट ट्रांजिट ऑफ कैरियर्स होता है थ्रू द डिप्लीशन रीजन ऑफ द रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन। रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन पता है ना आपको, कि जब आप इसमें बैटरी, जब इसमें आप ये रिवर्स बायस वोल्टेज लगाते हो, तो इसके जो डिप्लीशन रीजन के थ्रू जो कैरियर्स का मूवमेंट होता है, ड्रिफ्ट, इट इज द मूवमेंट ऑफ द कैरियर्स अंडर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस कंसेप्ट वॉज प्रपोज बाय डब्ल्यू टी रीड इन 1958, और इसीलिए हम इसको रीड डायोड भी कहते हैं। तो इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि नेगेटिव रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द फाइनाइट डिले और द लिमिटेड डिले बिटवीन द अप्लाइड आरएफ वोल्टेज एंड द करंट दैट इज जनरेटेड बाय एवलांचे ब्रेकडाउन, एंड सेकंड दैट कंटीन्यूअस मूवमेंट ऑफ द कैरियर्स थ्रू द डिप्लीशन रीजन अंडर रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन। इन दोनों की वजह से एक नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, ठीक है? द टू मोस्ट पॉपुलर वर्जन ऑफ सिलिकॉन इम्पेड डायोड्स आर सिंगल ड्रिफ्ट रीजन एंड डबल ड्रिफ्ट रीजन। द डबल ड्रिफ्ट रीजन इम्पेड डायोड इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू अ सीरीज कनेक्शन ऑफ द टू कॉम्प्लीमेंट्री एसडीआर इम्पेड डायोड्स एंड प्रोड्यूसेस मोर पावर। देखिए नाउ सी, दिस इज योर डबल ड्रिफ्ट रीजन इम्पेड डायोड स्कीमेटिक। ये आपका ये कॉन्टेक्ट है, ये एक पी टाइप सिलिकन है, ये एन टाइप सिलिकन है। यहाँ पे पी प्लस, पी एन और एन माइनस का स्ट्रक्चर है। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो ये पी प्लस, पी एन और एन माइनस का स्ट्रक्चर है। दिस इज पी प्लस, पी एन एन माइनस, पी प्लस पी एन एन माइनस स्ट्रक्चर, ओके? अब आप यहां देखिए, यहां पे आपने क्या लगाया है, एक रिवर्स वोल्टेज लगाया है, एक रिवर्स वोल्टेज लगाया है, और यहां पे आपकी एक करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, आईडीसी, ठीक है? अब आप इसमें देखिए, यहाँ पे ये थोड़ा बहुत, ये जो W जो डोनेट कर रहे हैं, W इज द विड्थ, ये आपका ड्रिफ्ट जोन है, ये एवलांचे जोन है। मैंने आपको दो बात बता देती हूँ कि जो ड्रिफ्ट जोन होता है, इट इज द रीजन विद एसेंशियली इंट्रिंसिक डोपिंग। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, पॉइंट टू बी नोटेड, कि जो आपका ड्रिफ्ट रीजन होता है, ये क्या होता है, यहाँ पे इंट्रिंसिक डोपिंग लेवल होता है, स्पेशली इसके अंदर एक आंतरिक डोपिंग की जाती है, इंट्रिंसिक डोपिंग होती है इसमें, एंड कॉन्स्टेंट फील्ड होता है। और उसमें जो फील्ड होता है उसका लेवल कॉन्स्टेंट होता है, कॉन्स्टेंट फील्ड। और जबकि एवलांचे, देखिए ड्रिफ्ट रीजन में क्या होता है, इन विच जनरेटेड होल्स ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द कॉन्टैक्ट। इसमें क्या है, इन विच जनरेटेड होल्स ड्रिफ्ट टुवर्ड्स कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट यहाँ पे कहाँ पे, अगर आप ये डायग्राम देखें तो ये जो दोनों है, ये साइड वाइज, ये कॉन्टैक्ट ही तो है, ये कॉन्टैक्ट लेयर्स है ना। इन कॉन्टेक्ट लेयर्स को इसने क्या बोला, एक पी टाइप सिलिकन, एक एन टाइप सिलिकन। यहाँ पे जनरली आप कह सकते हैं ये पी प्लस इज द पी टाइप सिलिकन, एन माइनस इज द एन टाइप सिलिकन, इसके बीच में पी और एन है, ये आपकी डिप्लीशन रीजन बन रही है फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, ओके? तो ये डिप्लीशन रीजन क्या है, द रीजन विच कंसिस्ट ऑफ द इमोबाइल चार्ज कैरियर्स, पॉजिटिव डोनर आयंस एंड नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस। यही है ना, ये पॉजिटिव डोनर आयंस है, ये पी साइड की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस हैं जो एन साइड की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे ये एवलांचे रीजन का विड्थ दिखा रहा है, कि दिस इज योर एवलांचे रीजन ड्रिफ्ट। यहाँ पे ये डीएन है, एन रीजन का ड्रिफ्ट रीजन है, यहाँ पे पी रीजन का ड्रिफ्ट विड्थ है, सॉरी। तो ड्रिफ्ट जोन में इंट्रिंसिक डूपिंग है और फील्ड लेवल कॉन्स्टेंट है, जिसमें की जो जनरेटेड होल्स है दे ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द कॉन्टेक्ट लेयर, क्योंकि पी में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स तो होल्स होते हैं ना, तो ये कॉन्टेक्ट लेयर की तरफ भागते हैं, ठीक है? अब आप इसमें देखिए, नेक्स्ट है आपका इंपैक्ट आयोनाइजेशन। अब ध्यान से पढ़िएगा, इफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन विद सफिशियंट एनर्जी टेक स्ट्राइक्स अ सिलिकन एटम, जैसे कि ये आपका एक सिलिकन एटम है, ओके, दिस इज योर सिलिकन एटम, और इसमें ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ही हाई एनर्जी के साथ इस पे चोट मारता है, स्ट्राइक करता है, तो ये क्या करता है कि ये सिलिकन के जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक करता है, इट ब्रेक्स द कोवलेंट बॉन्ड्स ऑफ द सिलिकन, ठीक है? एंड उससे क्या होता है, आफ्टर ब्रेकिंग आपको पता है EHPs जनरेट होते हैं, दे लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कोवलेंट बॉन्ड। ये अब समझ में आया,
इफ द इलेक्ट्रॉन लिबरेटेड गेन्स एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन लिबरेट हुआ, फ्री हुआ, जब उसको एनर्जी मिलती है बाय बीइंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लिबरेट्स अदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर कोवेलेंट बॉन्ड्स, देन दिस प्रोसेस कैन कास्केड वेरी क्विकली इनटू अ चेन रिएक्शन प्रोड्यूसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अ लार्ज करंट फ्लो. दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड इंपैक्ट एवलांचे. वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. यहाँ पे बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं लैब्स में भी कि मैडम व्हाट इज इंपैक्ट एवलांचे. एवलांचे का मतलब ये है कि इसमें हाई फील्ड लगाया जाता है और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है जो कि जनरेट होता है. तो वो वही कह रहा है कि इफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन, आई एम सॉरी, मेरा ना घर के पीछे भी और आगे भी दोनों साइड से मकान बन रहा है, तो ये पीछे पता नहीं ये मोटर की आवाज चलती ही रहती है. मैं एनी हाउ इसको मैं स्केप ही नहीं कर सकती क्योंकि किसी भी रूम में जाओ वो आवाज आती ही आती है विंडो की साइड से. एनी वे मैंने आपको समझा तो रही हूँ ना. क्या समझाया मैंने कि इफ एवर देर इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन दैट वेरी हाई amount of energy is going to strike or hit a silicon atom, then it is going to break the covalent bond of the silicon, and as soon as it breaks, it liberates the an electron from the covalent bond. ये covalent bond से ये एक electron को release कर देता है. एक covalent bond से एक electron को release कर देता है, liberate कर देता है, free कर देता है. And if the electron liberates, और उसमें जब इतनी energy होती है, if the electron liberated gains energy by being in an electric field के अंडर रहते हुए जब इस इलेक्ट्रॉन के अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है, तो ये क्या करता है, इसको ताकत मिल जाती है और जो दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड्स से जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको भी लिबरेट करता है. इट जस्ट ट्रिगर्स और यू कैन सी इट लिबरेट्स द अदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर कोवेलेंट बॉन्ड्स. देन दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस फिर मल्टीप्लाई हो जाता है, क्यूमुलेटिव मल्टीप्लीकेशन होता है, या आप कह सकते हो कास्केड में हो जाता है ये प्रोसेस और एक चेन रिएक्शन बन जाती है. इस चेन रिएक्शन को हम ये भी बोल सकते हैं कि क्यूमुलेटिव मल्टीप्लीकेशन भी होता है. There occurs the cumulative multiplication of this process that produces a large number of electrons and a large current flow. जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा उतना करंट फ्लो होगा. इसको हम इम्पैक्ट एवलांचे बोलते हैं. तो इम्पैक्ट एवलांचे का मतलब क्या है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द लार्ज अमाउंट ऑफ द करंट फ्लो. अब है ट्रांजिट टाइम डिले, जो कि मैंने आपको बताया था. There occurs the delay between the applied RF voltage and the current generated due to avalanche breakdown. Avalanche breakdown. Okay? अब आप देखिए, EHPs are generated in the high field region. High electric field जब आप लगाते हो तो उसमें electron hole pairs generate होते हैं. तो इसको हम avalanche zone बोलते हैं. Avalanche zone क्या होता है? Where there is a very high doping and high field. The generated electron immediately moves into the N region. देखिए यहाँ पे क्या है? जो generated electron है, it moves immediately into the N region. अभी आप यहीं देखो, इधर ही देखिए अभी आप. The generated electron moves into this N region while the generated holes drift across the P region. यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो तो N region की तरफ जा रहा है और जो होल्स हैं ये P region की तरफ जा रहे हैं. P में majority carrier hole है और N में majority carrier electron है. तो EHPs avalanche zone में create होते हैं जहाँ पे high field region होता है. The time required for the hole to reach the contact constitutes the transit time delay. मैंने आपको बताया भी था कि transit time क्या होता है. It is the time required for an electron or the other charge carrier to travel between two electrodes in an electron tube or transistor. जैसे BJT में अगर मैं transit time बोलूँगी, तो time required for an electron to travel from collector to emitter या from cathode to anode. ठीक है. अब आप contact तक पहुँचने के लिए hole को जितना time लगता है उसे transit time delay बोलते हैं. अब आता है इसका IV characteristic. देखिए, impet diodes operate in the avalanche breakdown region. जाके जहां पे मैंने आपको बताया भी है, हाई करंट फ्लो करती है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. एंड रिक्वायर अ लोअर थर्मल रेजिस्टेंस फॉर एक्सेप्टेबल जंक्शन टेम्परेचर्स, क्योंकि ये एवलांचे रीजन में ऑपरेट करते हैं जहां पे लार्ज रिवर्स वोल्टेज, लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. ठीक है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो इसीलिए इनमें लोअर थर्मल रेजिस्टेंस यूज होता है. ई इज इक्वल टू वी बाय डी. ठीक है, लोअर थर्मल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है फॉर एक्सेप्टेबल जंक्शन टेम्परेचर, जितना कि वो टेम्परेचर के जंक्शन का टेम्परेचर है वो एक्सेप्टेबल लिमिट्स में हो, तो उसके लिए लोअर थर्मल रेजिस्टेंस इसको चाहिए. तो फिगर बी शोज टिपिकल आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्पेट डायोड्स व्हेन फॉरवर्ड बायस द करंट इंक्रीजेस रैपिडली फॉर वोल्टेजेस अबव 0.5 वोल्ट. देखिए, ये है आपका आईडीसी वर्सेस वीडीसी. यहाँ पे आपका रिवर्स बायस वोल्टेज है. अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि इट हैज अ वेरी सिमिलर आईवी कैरेक्टरिस्टिक टू एनी अदर फॉर्म ऑफ पीएन जंक्शन डायोड.
इस अगर ये जो डायोड है पीएन जंक्शन डायोड, इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक तो ऐसे ही होता है ना, यहाँ आई है, यहाँ वी है, 0.7 वोल्ट के बाद करंट राइज करती है। अब रिवर्स बाइस में ये वाला जो रीजन है आपका, ये एवलांचे ब्रेकडाउन करंट है, क्योंकि यहाँ पे करंट बिल्कुल शार्पली नीचे की तरफ राइज कर रही है, ये ऑपरेटिंग रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑपरेटिंग है और ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है। तो ये बोल रहा है कि व्हेन रिवर्स बायस्ड अ स्मॉल सैचुरेशन और लीकेज करंट फ्लोज जनरली लेस देन 100 नैनो एम्पियर्स अंटिल द बायस वोल्टेज जो है इट एक्सीड्स द ब्रेकडाउन वोल्टेज। जब जो आपने बायस वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज दी है, जब ये ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा हो जाता है, जब तक ये उससे ज्यादा नहीं होता तब तक ये स्मॉल करंट ही फ्लो करती है, जब ये ज्यादा हो जाता है तो लार्ज करंट फ्लो करती है, तभी तो ये ऐसा जा रहा है ना। देखिए इस पॉइंट पे ये वीबी से ज्यादा है, ठीक है, ये जो वीबी से ज्यादा हो गया ना, ये अप्लाइड वोल्टेज, तभी तो ये इसको फॉल इधर इसको क्रॉस कर दे रहा है इस लिमिट को। अब इसमें कुछ माइक्रोवेव प्रॉपर्टीज है इम्पेड डायोड की, हम इसे एक बार पढ़ लेते हैं। लेट समहाउ आर एफ वोल्टेज इन एडिशन टू द डीसी ब्रेकडाउन वोल्टेज। देखिए आर एफ इज द एसी वोल्टेज और इसमें आपने डीसी कॉन्स्टेंट डीसी वोल्टेज एड कर दी, कॉम्बिनेशन में लगाई। इट एग्जिस्ट्स अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन ऑफ इम्पेड डायोड। द वोल्टेज कैन बी एक्सप्रेस मैथमेटिकली एज VTT, मतलब टोटल वोल्टेज जो इम्पेड डायोड में लगेगी, इट इज इक्वल टू दैट ऑफ द VB, यानी कि आपका ये शायद डीसी ब्रेकडाउन वोल्टेज हो गया, एंड प्लस VD साइन ओमेगा टी, जो कि एक RF वोल्टेज है, वेयर VD इज द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड एज द वोल्टेज। अब इसमें पॉइंट्स देखिए, ये है आपका, दिस इज योर डायोड वोल्टेज। देखिए ये जो पॉइंट है, ये तो आपका VD साइन ओमेगा टी है, दिस इज योर AC वोल्टेज, ये जो DC वोल्टेज है, ये तो दोनों इक्वल होके कितना हो जाएगा, VB प्लस VD साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे ये साइकिल बन गई है 0 to π, π to 2π, ये फुल साइकिल है। ओके, ये फुल एक टाइम पीरियड हो जाएगा, ये हाफ टाइम पीरियड होगा। एज द वोल्टेज राइजेज अबव द डीसी ब्रेकडाउन वोल्टेज, यानी कि जैसे ही वोल्टेज VB से, यानी कि डीसी ब्रेकडाउन वोल्टेज से हाई होता है, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द RF वोल्टेज, एक्सेस चार्ज बिल्ड्स अप इन द एवलांचे रीजन। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल के समय ये VB से ज्यादा होता है, तो एक्सेस चार्ज कैरियर्स बिल्डअप होना स्टार्ट करते हैं इस एवलांचे रीजन में, जहां पे मैक्सिमम फील्ड अप्लाई की जाती है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा फ्लो होते हैं और जिसकी वजह से करंट बहुत प्रोड्यूस होती है। स्लोली एट द फर्स्ट एंड रीचेज अ शार्पली पीक्ड मैक्सिमम एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई। देखिए इस रीजन में ये ओमेगा टी इक्वल टू पाई है, इस पीक रीजन में क्या हो रहा है, रेट ऑफ चार्ज जनरेशन इन द एवलांचे जोन। ये कब चार्ज कब बिल्डअप होना स्टार्ट करता है, ड्यूरिंग द फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ दिस RF वोल्टेज, मतलब यहाँ पे इस पे चार्ज बिल्डअप होना लगता है और फिर ये शार्पली पीक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है। दिस बिहेवियर अराइजेस बिकॉज ऑफ द हाईली नॉन लीनियर नेचर ऑफ द एवलांचे जनरेशन प्रोसेस। ये हाईली नॉन लीनियर नेचर की वजह से प्रोड्यूस होता है, जो एवलांचे नॉन लीनियर प्रोसेस है। ठीक है, कंसिडर द बिहेवियर ऑफ द जनरेटेड चार्ज सब्सिक्वेंट टू ओमेगा टी इक्वल टू पाई। अब इस ओमेगा टी इक्वल टू पाई के नेक्स्ट साइकिल में आप जाइए, पाई टू टू पाई में जाइए। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज सच दैट इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट टू द एन साइड। फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है ये एन साइड की तरफ है। द इक्वल नंबर ऑफ जनरेटेड होल्स मूव टू द पी प्लस कॉन्टेक्ट। अगर आप देखो तो आपके पास स्ट्रक्चर कैसा होता है, पी प्लस एन I N प्लस, यही स्ट्रक्चर होता है ना इम्पेड डायोड का, आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, इट इज P प्लस N I N प्लस स्ट्रक्चर। यहाँ पे कॉन्टेक्ट होते हैं, कॉन्टेक्ट लेयर्स होती हैं। यहाँ पे आपने क्या करा है, एक बहुत ही हाई रिवर्स वोल्टेज लगाई है। ओके, अब यहाँ पे आप कितना लगा सकते हो, 400 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर तक हाई रिवर्स वोल्टेज लगा सकते हो। ठीक है, ये जो होता है आपका ड्रिफ्ट रीजन होता है, दिस इज योर ड्रिफ्ट रीजन। ठीक है, यहाँ पे मैं बोलूंगी कि ये आपका एवलांचे रीजन होता है, दिस इज योर एवलांचे रीजन। अब ये वही चीज बोल रहा है कि इक्वल, जब हम ओमेगा टी इक्वल टू पाई के नेक्स्ट साइड देखते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एन साइड की तरफ जाएंगे, एंड उसी इक्वल नंबर ऑफ होल्स पी तरफ, पी प्लस में इक्वल नंबर ऑफ होल्स की मूवमेंट होगी और एन में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी। ये तो आपने पढ़ा है ना। द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ये सैचुरेटेड वेलोसिटी तक मूवमेंट करते हैं जब तक वेलोसिटी सैचुरेट नहीं हो जाती है। वी सेट अक्रॉस द ड्रिफ्ट जोन, द टाइम दैट टेक टू ट्रेवर्स द ड्रिफ्ट जोन एज टी इज इक्वल टू विड्थ बाय वी सेट। टाइम इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस इज द विड्थ एंड वी सेट इज द सैचुरेटेड वेलोसिटी। जब तक टाइम जो इस ड्रिफ्ट को क्रॉस करने में लगता है, इस ड्रिफ्ट जोन को क्रॉस करने में लगता है, जहां पे इंट्रिंसिक डूपिंग एंड कॉन्स्टेंट फील्ड है, ठीक है,
वाइल द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग थ्रू द डायोड दे इंड्यूस अ करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट. ये एक्सटर्नल सर्किट में करंट इंजेक्ट करते हैं. देखिए ये करंट एक्सटर्नल सर्किट में, ये पाई है, ये टू पाई है, ये ओमेगा टी है. देखिए ये करंट पल्स एक स्क्वायर फॉर्म में आ रही है, ट्रेपिजोइडल फॉर्म में, ये डीसी करंट. तो ये करंट की फॉर्मेशन होती है पाई टू टू पाई में. ठीक है, तो ये आपका एक माइक्रोवेव प्रॉपर्टी है कि इसमें इस तरह से बताया जा रहा है कि करंट कैसे प्रोड्यूस होती है. अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें तो ये आपको समझ में आ जाएगा. जैसे मैं अभी मार्कर चेंज कर लेती हूँ, जैसे अगर आप देखें तो ये क्या स्ट्रक्चर, यही मैंने आपको बताया था ना, पी प्लस. वैसे ये होता है पी प्लस पी एन, देखिए ये पी प्लस पी एन एन माइनस स्ट्रक्चर भी है, कई जगह बुक्स में बना हुआ है पी प्लस एन एन, पी प्लस एन आई एन प्लस स्ट्रक्चर भी बना है, और कहीं ये बना है पी प्लस, देखिए पी प्लस एन आई एन प्लस भी आप लिख सकते हो, या इसे पी प्लस पी एन एन माइनस भी लिख सकते हो. मतलब ये इस तरह से बना हुआ है. आपको जो भी फॉर्म याद करनी है आप याद कर लीजिए. जैसे पी प्लस पी एन एन माइनस है, तो यहाँ पे देखिए ये कॉन्टेक्ट लेयर्स बनी है, ये कॉन्टेक्ट लेयर्स है, ये पी पी टाइप सिलिकन है, ये एन टाइप सिलिकन है. ठीक है, डिप्लीशन रीजन क्या होता है, द रीजन वेयर द मूवमेंट ऑफ द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स स्टॉप्स आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. दैट मीन्स आफ्टर द डिफ्यूजन, जो मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स स्टॉप हो जाता है, तब वहाँ डिप्लीशन रीजन बनती है. तो ये जो ये एक बाउंड्री लेयर जो है, ये पी है और ये एन है. तो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन में क्या होता है, पॉजिटिव डोनर आयंस और नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस इमोबाइल इमूवेबल आयंस की फॉर्म में कलेक्ट हो जाते हैं अपने अपने पी और एन रीजन की साइड साइड. तो यहाँ पे ये जो रीजन है ये एवलांशे विड्थ बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा डब्ल्यूटीपी, मतलब पी रीजन का विड्थ और ये एन रीजन का विड्थ. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप डीसी रिवर्स वोल्टेज ज्यादा लगाओगे करंट ऐसे फ्लो करती है. फिर इसने यही बताया कि ट्रांजिट टाइम डिले क्या होता है, इसने यही बताया कि जब हम एसी प्लस डीसी वोल्टेज कंबाइन लगाते हैं अक्रॉस द इनपुट डायोड, या तो आप ये लगा लो या आप इसे कर लो पी प्लस पी एन एन माइनस स्ट्रक्चर लगा लो. ठीक है, ऐसे कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि ये डिप्लीशन रीजन है. तो इसने यही बोला है ना कि एक बार जब वोल्टेज डीसी से ज्यादा होगा हमें एक साइकिल कंसिडर करनी पड़ेगी ना, प्लस और माइनस एक साइकिल हमें कंसिडर करनी पड़ेगी, जीरो पाई टू पाई. एक बार हम जीरो टू पाई तक का एनालिसिस करेंगे, फिर पाई टू टू पाई तक का करेंगे. जीरो टू पाई में वोल्टेज आपका ग्रेटर देन डीसी वोल्टेज जब होगा तो एक्सेस चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सेस चार्ज एवलांशे रीजन में बिल्डअप करता है स्लोली. पहले शुरू शुरू में एक्सेस चार्ज बनता है, जो कि आपने यहाँ देखा होगा कि ये जो रीजन है आपका, ये आपका एवलांशे रीजन है, ये वाला एक्सेस चार्ज बनता है जब वी ग्रेटर देन वी डीसी होता है. उसके बाद आप देखिए इसमें क्या बोला है कि इट रीचेज अ शार्पली ये मैक्सिमम पीक डेट ओमेगा टी इक्वल टू पाई. ठीक है, दूसरी बार ओमेगा टी इक्वल टू पाई के बाद फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एन साइड की तरफ जा रहे हैं. ये तो आपने पढ़ा ही था कि यहाँ पे इस तरीके से होता है ना, पॉजिटिव डोनर आयंस नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस, तो नेगेटिव आयंस एन साइड की तरफ जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं. उसी तरह से इक्वल नंबर ऑफ होल्स पी प्लस कॉन्टेक्ट की तरफ जाएंगे, क्यों, आफ्टर ओमेगा टी इक्वल टू पाई. फिर इलेक्ट्रॉन्स एक सैचुरेटेड वेलोसिटी के अंतर्गत ही ड्रिफ्ट करेंगे जब तक वेलोसिटी के अक्रॉस द ड्रिफ्ट जोन. ठीक है, उसके बाद जितना वो टाइम इंटरवल लेगा जब तक इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं, उसके बाद ही, मतलब एक सैचुरेटेड वेलोसिटी जब तक नहीं आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते रहेंगे, फिर एक करंट इंड्यूस हो जाएगी. तो वो करंट इस फॉर्म में होती है, ये डीसी करंट होती है और ये इस फॉर्म में होती है. ठीक है, तो ये आपको छोटा सा मैंने थ्योरी बताई. अब इसमें देखिए फ्रॉम फिगर ए एंड सी वी सी दैट कंबाइंड डिले ऑफ द एवलांशे प्रोसेस एंड द फाइनाइट ट्रांजिट टाइम. जो कंबाइंड डिले है, किसका कंबाइंड डिले है, दिस एवलांशे प्रोसेस का, ये एवलांशे प्रोसेस का, एंड द फाइनाइट ट्रांजिट टाइम अक्रॉस द ड्रिफ्ट जोन हैज कॉज्ड पॉजिटिव करंट टू फ्लो इन द एक्सटर्नल सर्किट व्हाइल द डायोड्स आरएफ वोल्टेज इज गोइंग थ्रू इट्स नेगेटिव हाफ साइकिल, दैट इज इट प्रोड्यूसेस अ नेगेटिव रेजिस्टेंस. ये आपको समझ में आना चाहिए. कंबाइंड डिले ए में क्या हो रहा है, ए फिगर में आप देखिए, ए फिगर में यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक डीसी वोल्टेज है और इसको हमने सुपर इम्पोज कर दिया एसी वोल्टेज के साथ. ठीक है, और फिर इसने बोला है कि कंबाइंड डिले ऑफ एवलांशे प्रोसेस प्लस फाइनाइट ट्रांजिट टाइम अक्रॉस द ड्रिफ्ट जोन, इसकी वजह से पॉजिटिव करंट फ्लो करती है एक्सटर्नल सर्किट में, और जबकि जो डायोड का आरएफ वोल्टेज है इट इज गोइंग थ्रू इट्स नेगेटिव हाफ साइकिल,
जो डायोड का जो RF वोल्टेज है ये अपने नेगेटिव हाफ साइकिल में जा रहा है, यानी कि ये जो पॉइंट है जो इसने लिखा है ओमेगा टी इक्वल टू पाई, ठीक है, डायोड्स RF वोल्टेज इज गोइंग थ्रू इट्स नेगेटिव हाफ साइकिल, यहाँ पे ये नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। नेगेटिव रेजिस्टेंस किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू द फाइनाइट टाइम डिले बिटवीन द RF अप्लाइड वोल्टेज एंड द और क्या बताया था मैंने, अगर मैं भूल भी गई हूँ तो आपको याद होना चाहिए ना, ये देखिए क्या लिखाया था मैंने आपको, हाँ, फाइनाइट टाइम डिले बिटवीन द अप्लाइड RF वोल्टेज एंड द जनरेटेड करंट, और दूसरा ड्रिफ्ट ऑफ कैरियर्स थ्रू द डिप्लीशन रीजन ऑफ रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन, तो यही बताया है। तो यहाँ पे ये है द डायोड दस डिलीवर्स RF एनर्जी टू द एक्सटर्नल सर्किट, इसका मेन एम क्या है कि एक्सटर्नल किसी भी एक्सटर्नल सर्किट को अगर आप उसमें इंटरफेस कर दें या फीड करें तो वो इट ये RF एनर्जी डिलीवर करता है। मैक्सिमम नेगेटिव रेजिस्टेंस इज ऑब्टेन व्हेन वेयर इज कॉल्ड अ ट्रांजिट एंगल, ट्रांजिट एंगल पे मैक्सिमम नेगेटिव रेजिस्टेंस मिलती है, एंड इनपुट डायोड्स आर नॉर्मली डिजाइन टू सेटिस्फाई एट डिजायर्ड ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, अब ये एप्लीकेशंस हैं, ये मैंने आपको पहले बताया था, इट इज अ फॉर्म ऑफ हाई पावर सेमीकंडक्टर डायोड व्हिच इज यूज्ड इन हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोवेव डिवाइसेस, इट्स ऑपरेटिंग रेंज इज फ्रॉम 3 to 100 GHz, हाई पावर कैपेबिलिटी अप टू 3 kW तक की पावर जनरेट करता है, एंड ये ट्रांसमीटर की फॉर्म में यूज होता है इन माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, एज अ पल्स ट्रांसमीटर भी यूज होता है फॉर हाई पावर रडार सिस्टम्स। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिविजन बता देती हूँ। हाउ नेगेटिव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इसमें कि हाउ ए नेगेटिव रेजिस्टेंस इज प्रोड्यूस्ड, हाउ ए नेगेटिव रेजिस्टेंस इज प्रोड्यूस्ड इन इम्पेड डायोड, कैसे प्रोड्यूस होता है? एक तो मैंने आपको रीजन बताया था, इम्पेड माइक्रोवेव डिवाइस डायोड जो होता है इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन अ नेगेटिव रेजिस्टेंस इफेक्ट विच इज कॉज्ड बाय द, ये किसकी वजह से होता है? कॉज्ड बाय ट्रांजिट टाइम, ट्रांजिट टाइम ऑफ द कैरियर्स, ट्रांजिट टाइम ऑफ कैरियर्स, दिस नेगेटिव रेजिस्टेंस इनेबल्स द डायोड टू एक्ट एज एन ऑसिलेटर, इनेबल्स द डायोड टू एक्ट एज एन ऑसिलेटर क्रिएटिंग सिग्नल्स, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, क्रिएटिंग RF एनर्जी और क्रिएटिंग सिग्नल्स एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दूसरा क्या है कि इम्पेड डायोड की थ्योरी बेसिक मेनली यही है कि इट कंडक्ट्स करंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन वंस द टर्न ऑन वोल्टेज हैज बीन रीच्ड एंड इट ब्लॉक्स द करंट इन द रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है, अंटिल द डायोड ब्रेकडाउन वोल्टेज हैज रीच्ड। यहाँ पे एवलांशी ब्रेकडाउन होता है, याद रखिए रिवर्स डायरेक्शन में एवलांशी ब्रेकडाउन होता है क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में ये करंट का फ्लो रोक देता है जब तक कि डायोड ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं आता। द डिवाइसेस इट हेल्प्स टू मेक अ डायोड एग्जिबिट दिस नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, उसको एवलांशी ट्रांजिट टाइम डिवाइसेस कहते हैं, यानी कि द प्रोसेस ऑफ हैविंग अ डिले बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि कहाँ है ये द प्रोसेस, या मैं लिख भी देती हूँ, प्रोसेस ऑफ हैविंग अ डिले, डिले मतलब देरी, द प्रोसेस ऑफ हैविंग अ डिले बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एवलांशी, इन एवलांशे टूगेदर विद ट्रांजिट टाइम, टूगेदर विद ट्रांजिट टाइम थ्रू द मटीरियल, थ्रू द मटीरियल इज कॉल्ड नेगेटिव रेजिस्टेंस। इसमें देखिए नेगेटिव रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, तो ये आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, मेनली सिंपेट डायोड को रीड डायोड भी कहते हैं, मेनली इसके टू रीजन्स होते हैं एवलांशे एंड ड्रिफ्ट रीजन, मेन दो रीजन्स होते हैं इसके एवलांशे एंड सेकेंड ड्रिफ्ट रीजन। ओके, एवलांशे रीजन में आपको पता है बहुत ज्यादा हाई डूपिंग होती है, हाई फील्ड होती है जिसकी वजह से मल्टीप्लीकेशन, क्यूमुलेटिव मल्टीप्लीकेशन ऑफ कैरियर्स होता है, और ड्रिफ्ट रीजन में इंट्रिंसिक डीपिंग इन कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट फील्ड होता है एंड इंट्रिंसिक डूपिंग होती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब एक्चुअली देखिए ये जो थ्योरी है ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि ये थ्योरी हम लोगों ने 6th semester में पढ़ी थी अंडर द सब्जेक्ट माइक्रोवेव्स में, और ये जो थ्योरी है जो मैंने आपको बताई ये 3rd semester में अब आ गई है, APJ कलाम जो यूनिवर्सिटी है APU रिलेटेड, तो AKTU रिलेटेड जो यूनिवर्सिटीज है, तो ये तब पढ़ाई थी। तो आप अगर बुक्स भी खोल के देखोगे तो उसमें और डिटेल में होगा,
तो ये थोड़ी सी मेन थ्योरी थी जो मैंने आपको बताया कि करंट कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो आई होप ये अगर आपको अच्छा लगा हो, हालांकि व्यूज तो मेरे 7-8 ही आते हैं, 2-3 दिन भी करूं तब भी कोई बात नहीं, मेरी इससे प्रैक्टिस होती है। और अगर आप लोगों को इससे पढ़ के फायदा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये थ्योरी कैसी लग रही है। ओके, टिल देन गुड बाय।